बागी विधायकों से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया इमोशनल अपील, कहा परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता है। भारत में आज 11,793 नए कोविड मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिला के भारत में 96,700 पर केसेस सक्रिय है। G7 समिट शामिल होने के बाद जर्मन से रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और म्यूनिख के एक यादगार सामुदायिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। वैश्विक भलाई और समृद्धि के आगे बढ़ने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर वहां चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 ग्रुप में सम्मेलन में आए हुए विदेशी नेताओं को भारतीय कल्चर दर्शाने वाली कीमती तोहफे भेंट दी। 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुड़ीचा मंदिर तक निकाले जाने वाली वैश्विक प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई को होगी। मुंबई के कुर्ला नाइक नगर क्षेत्र में 4 मंजिल इमारत ढहने की घटना घटी। मरने वालों की संख्या 19 से अधिक होने की आशंका है, तो वही घायलों की संख्या 27 से भी अधिक है। अभी भी मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अभी भी अस्थिर है। महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है, वे प्रतिदिन 200 से 300 जीआर जारी कर रही है, ये जनता का पैसा है। इसके बारे में उन्होंने सरकार से जांच करने की मांग की है। ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को दूसरा समन भेजा है, जिनमें उन्हें पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के बीच गुवाहाटी में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। एक तरफ शिंदे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी की यूथ विंग राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी बागी विधायकों के विरोध में पोस्टर लगाए हैं। ये पोस्टर गुवाहाटी के होटल रेडसिस ब्लू जाने वाले रास्ते पर लगाए गए। भारतीय उद्योग जगत के महारथी और बिजनेस टाइकून पलोनजी मिस्त्री का कल रात मुंबई में निधन हुआ। उनकी उम्र महज 93 साल थी। शाहपुर जी पलोनजी ग्रुप भारत के सबसे बड़े कारोबारी कंपनी में से एक है। ऐसे ही कई अपडेट्स पाने के लिए नवभारत डिजिटल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।